अगर इसके अंदर उनको अगर इनपुट चाहिए या वो उसमें खुद आना चाह रहे हैं, तो उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसमें मज़ीद लोग ऐड किए जाएं जो फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्लिक हों, वो ताकि उनकी नुमाइंदगी भी उसमें हो। तो लिहाजा नई कोस्टल डेवलपमेंट बनाने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है फेडरल गवर्नमेंट को। दूसरी गुजारिश ये थी कि रिकोडिक के हवाले से, रिकोडिक के हवाले से एक जो हवा कड़ा किया गया है कि जनाब 600 अरब डॉलर देने होंगे और ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि जो फैसला आया है वो किसी कोर्ट का फैसला नहीं है, वो बैनुल अक्वामी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक ज़ेली अदारा है, उसकी जानिब से फैसला आया है और उस फैसले को उसकी फिर रेमेडी हो सकती है कि हम आलमी अदालत में भी जा सकते हैं या उसका जो तरीक़ेकार है वो। मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह घबराना नहीं चाहिए कि जी वो 600 अरब देने होंगे, उसमें अभी बहुत सारे टीयर्स हैं। और एक और गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का इस मामले में एक फैसला मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला हमें उसको फोकियत देना चाहिए और वहाँ के जो इदारे हैं उनको कन्विंस करना चाहिए कि चूँकि हमारे मुल्क की आला तरीन अदलिया का ये फैसला है, लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए। यह मेरी गुजारिश है। अच्छा हुआ कि साईं भी जाम साहब भी आ गए और मुझे यकीन है कि जाम साहब इस मामले में कोई ज़रूर रास्ता निकालेंगे और इंशाल्लाह ताला हमें इतनी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया जनाब।